हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट गनाश की रेसिपी, वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो जैसे जैसे मुझे सवाल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, उसके ऊपर उसके बेसिस पे ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चॉकलेट गनाश के लिए भी मुझे पूछा था कि कैसे बनाते हैं प्रॉपर, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने बेकर दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो गनाश के लिए लगती है, कुछ क्या लगता है क्या नहीं लगता है, क्या फ़र्क है दो चीज़ों में, तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम रेसिपी के लिए जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे है अमूल का फ्रेश क्रीम। सो जनरली हम सभी अमूल का फ्रेश क्रीम या फिर और किसी भी ब्रांड का, पर हम फ्रेश क्रीम ही यूज करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा फर्क बताना चाहती हूँ कि फ्रेश क्रीम और व्हिप क्रीम में। तो क्या होता है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम फ्रेश क्रीम की जगह पे व्हिप क्रीम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो जो मेरे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। आप जब अमूल का या फिर किसी और ब्रांड का फ्रेश क्रीम यूज करते हो तो चॉकलेट गनाश को एक अलग सा टेक्सचर आता है, क्रीमीनेस आता है, ओके? और जब आप व्हिप क्रीम यूज करते हो तो ऑब्वियसली क्रीमीनेस तो आएगा, पर उसका टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट रहता है फ्रेश क्रीम की जगह। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं होता है कभी कभी, तो आप व्हिप क्रीम बिंदास यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार मुझे भी यही प्रॉब्लम होता है कि ऑर्डर अर्जेंट आती है तो मैं कभी कभी फ्रेश क्रीम की जगह पर व्हिप क्रीम यूज करती हूँ। तो ये है चीजें, फर्क तो है दोनों गनाश में। आप जब बनाओगे, आप टेक्सचर देखोगे तो आपको पता चलेगा, बट यू कैन यूज व्हिप क्रीम इंस्टेड ऑफ फ्रेश क्रीम कभी कभी। ये हमेशा मत करना, तो आदत सी लग जाएगी और आपको वही गनाश अच्छा लगने लगेगा। तो आप मल्टी, मतलब कभी ये कभी वो, आपके अवेलेबिलिटी के अनुसार आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले ये था फ्रेश क्रीम। उसके बाद हम अभी चॉकलेट के बारे में बात करेंगे। तो जनरली मैं मोडे का ही चॉकलेट यूज करती हूँ, ये है 500 ग्राम में। और छोटी सी चीज शेयर करना चाहती हूँ, लास्ट टाइम मुझे मेरे मतलब शॉपकीपर के पास मुझे मोडे का अवेलेबल नहीं था डार्क कंपाउंड, तो मैंने ये मेलो का मंगवाया था। तो जब मैंने इसका गनाश बनाया तो टू बी हॉनेस्ट ये ज्यादा स्वीट था, मतलब कस्टमर को तो केक अच्छा लगा जिसको मैंने दिया था चॉकलेट ट्रफल, बट मैंने जब गनाश टेस्ट किया तो मुझे उसमें से जो फर्क निकला वो मैं आपको बता रही हूँ कि मोडे का जो गनाश बनता है वो परफेक्ट बनता है। अभी चॉकलेट बोले तो थोड़ा सा वो कोको पाउडर का स्मेल या फिर थोड़ा सा हल्का डार्कनेस वो तो चाहिए, तो जब हम मोडे से बनाते हैं तो वो परफेक्ट बनता है। और जो मेरा मानना है कि मेलो से बेहतर है मोडे, तो ये ज्यादा थोड़ा स्वीट लगा मुझे। तो आप कौन सा यूज करते हो देखो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, या फिर इसका कुछ आप अलग से कुछ रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो मुझे जरूर बताना, तो मैं भी ट्राई करूंगी। तो ये दो चीजें थी आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये दो चॉकलेट्स हैं जिसमें से मैं ये यूज करती हूँ, और अमूल का फ्रेश क्रीम, और उसकी जगह पे कभी कभी हम व्हिप क्रीम यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो आप रेसिपी पूरी देखना कैसे बना रही हो, क्योंकि दो इंग्रेडिएंट से ही बना रही हो, पर उसका जो स्टेप्स है या फिर उसकी जो प्रोसेस है वो आप ऊपर नीचे करोगे तो वो प्रॉब्लम होगा। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डार्क कंपाउंड है इसको हम पीस करके लेंगे, छोटा छोटा पीस। तो ये 500 ग्राम का है चॉकलेट, तो एक ही बार में बनाने को अच्छा रहता है। तो हम क्या करेंगे अभी, ये मेरे पास एक नाइफ है जो बहुत अच्छी लगती है मुझे चॉकलेट स्पेशली कट करने के लिए, तो इससे मैं अभी इसका छोटे छोटे पीसेस करूंगी जो सेम साइज में जनरली रहेंगे तो फटाफट से मेल्ट होता है, एक बड़ा एक छोटा ऐसे मत करना। तो यहाँ पे आपको अभी पीसेस करके लेना है रैंडम। नाइफ से बेहतर यही है, फटाफट से ब्रेक होता है और जैसे चाहिए वैसे आप काट सकते हो। तो यहाँ पे चॉकलेट को मैंने छोटे छोटे पीस में सेम साइज में कट करके लिया है इस नाइफ की मदद से। तो अभी मैं करूंगी क्रीम को बॉईल, तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, सभी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, सो हमने अभी लिया था 500 ग्राम चॉकलेट जो हमने चॉप करके लिया है। तो अभी हम लेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम,
तो जनरली आपने बहुत जगह पे देखा रहेगा, क्लास किए रहेंगे या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखे रहेंगे जिसमें रेशियो रहता है 1:2। अगर 500 चॉकलेट है तो आपको 250 क्रीम लेना है। बट एज पर माई एक्सपर्टीज, मैं भी सबसे पहले वही फॉलो करती थी 1:2, बट धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा कि ये परफेक्ट नहीं बन रहा है, तो मैंने थोड़ा सा रेशियो चेंज किया है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको लेना है ये क्रीम, इसको शेक करके लेना है प्रॉपर। अब तो ये 250 ml का है फ्रेश क्रीम, पर हम इससे ज्यादा लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा भी जो फ्रेश क्रीम का टीन है उससे भी हम उसमें से भी हम थोड़ा क्रीम लेने वाले हैं, तो इसको भी प्रॉपर तरीके से शेक करके लेना है। और यहाँ पे हुआ है 242 ml, तो हम इसमें से और फ्रेश क्रीम लेंगे। तो यहाँ पे हम प्रॉपर 350 ml लेने वाले हैं, और इसी से ही गणेश परफेक्ट बनेगा। आप जो उसका डिजाइन बनाओगे, फ्लावर्स बनाओगे, वो प्रॉपर तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 350 हुआ है ये। अभी हम इसे प्रॉपर बॉईल करेंगे, बबल्स आने तक बॉईल करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो अमूल का फ्रेश क्रीम है उसको प्रॉपर बॉईल करके लिया है, और अभी ये सीधा जाएगा चॉप चॉकलेट में। चॉकलेट मेल्ट भी होना चालू हो गया फटाफट, और इसको हम अभी मिक्स करेंगे प्रॉपर। तो जैसे कि 1:2 रेशो है, पर मैंने यहाँ पे नहीं लिया है वो, तो आपको बीच बीच में विजुअल चेकिंग भी करना पड़ेगा तो ही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसी बताई जाती है वैसे भी नहीं होता है। तो ये मिक्स, प्रॉपर मिक्स करेंगे हम इसको, चॉकलेट वगैरह बीच में नहीं रहना चाहिए, तो ये प्रॉपर मेल्ट होगा। तो अभी ये रेशो ज्यादा है इसके लिए ये ज्यादा मेल्ट हो गया है। अगर आप 250 लेते तो उसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग रहता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना शाइनीनेस है, और मिरर ग्लेस टाइप इफेक्ट है विदाउट बटर। हमने तो बटर ऐड किया भी नहीं है इसमें, फिर भी ये टेक्सचर है। बहुत वीडियोज में बोलते हैं कि बटर डालोगे तो ही ये टेक्सचर मिलेगा, बट ऐसी बात नहीं है। आपका अगर बनाने का तरीका सही हो, और अगर आप ये वाला वीडियो फॉलो करते हो इसी तरीके से, तो आपको भी विदाउट बटर ये वाला टेक्सचर मिल सकता है। अभी आपको क्या करना है, ये मेरा फोंडेंट का है ब्लैंक डब्बा। तो मैं क्या करती हूँ, कभी भी गनाश बनाती हूँ तो उसको सीधा सेट करने को ही मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि इसी में सेट होता है, इसी में से मैं यूज करती हूँ। तो बचा हुआ भी आप फ्रिज में ऐसे ही रख सकते हो। तो आपके पास भी अगर इस टाइप का कोई प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर टाइप रहेगा तो आप भी उसमें डाल सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ये कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। इसके लिए मैंने मेरा जो है 500 चॉकलेट के लिए 350 क्रीम ये मैंने यूज किया, क्योंकि 250 में मुझे वो अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं लगी, और उसके फ्लावर्स या फिर और डिजाइन नहीं आती थी, तो इसके लिए मैंने ये मेरी कस्टमाइज रेशो मैंने यूज किया। तो अभी इसको सीधा मैं रखूंगी इस टाइप से, पैक नहीं करूंगी क्योंकि अभी ये गर्म है तो ऊपर मॉइस्चर छोड़ देगा, और ऐसे ही रखना है। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा इसको आप पैक करके फ्रिज में रख सकते हो। अभी इसको 10-15 मिनट्स हो गए हैं, ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो अभी इस कंटेनर को मैं रखूंगी फ्रिज में सेट होने के लिए। वो भी नीचे रखना है, ऊपर डीप फ्रिज में नहीं रखना है, तो वो ज्यादा हार्ड हो सकता है। और इसको अभी 2 to 2.5 hours लगेगा सेट होने के लिए। उसके बाद आप उससे कुछ भी डिजाइन या फिर आप ट्रफल केक वगैरह बना सकते हो। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, और कैसी बनती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो अपने बेकर दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।
ये कुछ केक्स है जो मैंने गनाश से बनाए हैं। ऐसे और भी डिज़ाइंस के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना। थैंक यू।